आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। क्या हो अगर कोई अपने मुंह पर कालिक लगने के डर से मुंह ढककर चलने लगे तो? जी सही सुना आपने, कुछ ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ, जहां नेताजी खुद के शक्ल को बचाने के लिए मुंह ढककर घूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने अपने चेहरे पर फेस शील्ड लगा लिया है। इससे पहले शनिवार को पीपरी चिचवाड़ में एक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री के चेहरे पर किसी ने इंक यानी स्याही फेंक दिया था। इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंत्री ने कथित रूप से एक कार्यक्रम में कहा था कि समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए सरकारी ग्रांट्स पर निर्भर रहने के बजाय फंड के लिए भीख मांगी थी। इस बयान के बाद उनके मुंह पे कोई स्याही फेंक दिया था। पुलिस ने मंत्री के चेहरे पर इंक फेंकने के आरोप में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विकास लोले और एक दशरथ पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों लोगों के खिलाफ सांगवी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पाटिल के पवन नाथती यात्रा के दौरे के दौरान उन पर स्याही फेंकने की धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल ही खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।